वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू जेनिक एजुकेशन जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में और मैं जो डील कर रहा हूँ वो पावर सिस्टम ये सेकेंड जी कोर सेकेंड क्वेश्चन हुआ हमारा कल का फर्स्ट क्वेश्चन आप ऑलरेडी शाम को छह बजे देख चुके होंगे आज का ये शाम को छह बजे अभी स्टार्ट मोस्ट प्रॉब्ली आप शाम को छ बजे देखोगे क्योंकि ये प्रीमियर होता है या फिर लाइव जो होता है वो शाम को छह बजे होता है आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उस क्वेश्चन को जो कल आपको जेनिक लाइव ऐप पे क्विज के फॉर्म में मिला था क्वेश्चन नंबर टू जी कोर का पावर सिस्टम का जिसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन था आपको भी अगर बनाना है तो आप जेनिक लाइव ऐप पे आ जाइए और जेनिक लाइव ऐप पे एक फ्री सेक्शन है जिसमें क्विज हम लोग कराते हैं वहां जाके आप क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कीजिए सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन रखिए अपने पास और उसका आंसर भी अपने पास रखिए और इवनिंग में छह बजे पावर सिस्टम का क्वेश्चन सीरीज आता है कल जो कल जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आज आपको वीडियो मिलेगा तो अभी कल जो क्वेश्चन दिया गया था उसका ये क्वेश्चन रहा और उसका आज हम सोल्यूशन देने वाले हैं तो आप लोग जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं जी कोर को वो बिल्कुल ए, यहां पे जुड़े रहिएगा और उसके बाद ये जो क्वेश्चन हम डिजाइन किए हैं ऐसा क्वेश्चन भी आप नहीं देखे होगे ये मैं श्योर हूं ऐसा क्वेश्चन आप अभी तक नहीं देखे हो कहीं नहीं बनाए होंगे अगर आप चार पांच बुक बनाए होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं बनाए होगी इस लेवल पे इसमें मैं थ्री लेयर कर दिया जनरली टू लेयर सिंगल लेयर क्वेश्चन आते हैं मैं इसको थ्री लेयर में कन्वर्ट किया ताकि आपको पूरा ब्रेन को खोल के रखें अब देखो ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसका सोल्यूशन निकालते हैं तो पहले क्वेश्चन क्या है सिंक्रोस मोटर इज कंज्यूमिंग हंड्रेड किलो वाट हंड्रेड किलोवाट मतलब सिंक्रोस मोटर एक लगा हुआ है जो हंड्रेड किलो वाट एक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है किलो वाट मीन एक्टिव पावर ठीक है भैया इज एडेड इन पावर फैक्टर लैगिंग लोड लोड के में मोटर लगाए हैं रीजन क्या है लगाने का तो यहां लिखा हुआ है टू इंप्रूव द पावर फैक्टर टू अब देखो मोटर है जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हंड्रेड किलोवाट एक्टिव पावर ही कंज्यूम कर रहा है और एक्टिव पावर सिर्फ अगर कंज्यूम करता तो क्या पावर फैक्टर इंप्रूव हो पाएगा नहीं पावर फैक्टर अगर इंप्रूव करना है दैट मीनस कि रिएक्टिव पावर तो जरूर कंज्यूम करेगा या डिलीवर करेगा डिपेंड करता है कि लैगिंग है कि है। तो यहाँ पे motor का पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है पॉइंट नाइन पे लोड आपका ऐसा कुछ लगाओ अब देखो गेम देखो गेम यहां से स्टार्ट हो रहा है कि ठीक है भैया पॉइंट नाइन पावर फैक्टर हमने सिंक्रोस मोटर लगा के कर दिया लेकिन एक और लोड आ गया, एक और न्यू लोड आया जो 100 किलोवाट एक्टिव पावर कनेक्ट कंज्यूम कर रहा है और वो भी पैरेलल में कनेक्ट हो गया एग्जिस्टिंग लोड से जिसके वजह से पावर फैक्टर अगेन कितना हो गया पॉइंटेड मतलब कि एक ऐसा लोड आया फालतू लोड जो अच्छा पावर फैक्टर था उसको क्या कर दिया अगेन पॉइंटेड कर दिया पॉइंट नाइन था पॉइंटेड कर दिया और आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द प फैक्टर ऑफ न्यू लोड ऐसा क्वेश्चन देखे थे कमेंट करके जरूर बताना ऐसा क्वेश्चन देखे नहीं अगर आपके लिए नया है तो लाइक कर दो ठीक है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको जी कोर में देंगे और जी ऑप्टिमस यूजर इजिली कर ले जाएंगे हमको मालूम है जी ऑप्टिमस भी इसको फॉलो करें ताकि छह बजे आपका जी ऑप्टिमस का जो यूजर है वो इसको देखें और सारे छह से उनका लाइव सेशन स्टार्ट होता है लाइव ऐप पे जो कि पेड है तो वहां पे फिर वो पावर सिस्टम ही पढ़ते हैं तो दो बार उनका रिविजन हो जाएगा इसलिए मैं बोलता हूँ जी ऑप्टिमस यूजर भी छह बजे आके एटलीस्ट इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें अब चलो इसको सोल्व करते हैं अब आप लोग जो सोल्व करते हो मुझे नहीं पता कैसे सोल्व करते हो लेकिन जो लोग हमसे पढ़े होंगे उनको मैं बोला था कि कभी भी इसमें फॉर्मुला रटने की जरूरत तो नहीं है पी वन टन फाइव वन माइनस पी टू टेन फाइव टू ये सब वाला जो फॉर्मूला है ये रटना वटना मत सीधे पावर ट्रायंगल बनाना और सोचना समझना किस तरह से क्या हो रहा है उसी तरह से तो देखो मेरा क्या अप्रोच होता है और मैं कैसे सोचता हूं क्वेश्चन को देख के उस तरह से अगर आप सोचोगे तो इसमें चार लेयर कर दो पांच लेयर कर दो दस लेयर कर दो तब भी आप आंसर निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है तो देखो ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं ऐसा कुछ है जब भी मैं सोल्व करता हूं तो पहले मैं क्या करता हूं सर्किट डायग्राम जरूर बनाता हूं यह हमारा लोड है फाइव हंड्रेड के बी एट पॉइंट एट पावर फैक्टर और इसके पैरल में एक सिंक्रोनस मोटर लगा हुआ है जो कि हंड्रेड किलोवाट पावर कंज्यूम कर रहा है रिएक्टिव पावर का नहीं मालूम रिएक्टिव पावर का नहीं मालूम ऑब्वियसली रिएक्टिव पावर कुछ ना कुछ डिलीवर करेगा तभी तो पावर फैक्टर इंप्रूव होगा वो हम देखेंगे इतना है तीसरा बोल रहा है कि एक नया लोड आ गया भैया ये लो एक नया लोड आ गया दिस इज न्यू लोड और ये भी आपका न्यू लोड का क्या दिया हुआ है तो पी दिया हुआ है हंड्रेड किलोवाट है इसका न्यू लोड का क्यूएल नहीं दिया हुआ है अगर ये दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं था हम पावर फैक्टर ऑफ न्यू लोड इजल निकाल लेते हैं तो फिर तो ये इसका पावर ट्रेंगल बन जाता इजलि निकाल लेते मतलब हमारा टारगेट क्या है इसका निकालने का ये ये वैल्यू कितना होगा तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो किसी भी काइंड ऑफ नेटवर्क हो या पावर सिस्टम हो हमेशा सर्किट डायग्राम बनाओ बहुत जरूरी है सब चीज पैरेलल में कनेक्ट है नो इशू चलेगा अब देखिए इसका मैं पावर ट्रेंगल बनाऊंगा सिर्फ इसका तो देखो फटाक से मेरे को कितना टाइम लगेगा देखो ये 400 सौ किलोवाट ये आपका 300 सौ किलो वाट किलोट ने केवी है और ये आपका 500 हंड्रेड के वी है लैगिंग लोड है इसलिए ऊपर में गया दिस इज क्यू ठीक है क्यू ऊपर कब जाता है जब लैगिंग लोड में तो बेसिक चीज है ये आपका 36.86 इसका मैं पावर ट्रेंगल तुरंत बना लिया अब क्या हो रहा है देखो ये है आपका पॉइंट एट पावर फैक्टर पे कितना पे है पॉइंट एट पे क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉइंट पावर फैक्टर पे अब इसको 0.9 पावर फैक्टर लैग करना है मतलब 0.9 पावर फैक्टर लैग का मतलब क्या हुआ 0.9 पावर फैक्टर लैग का मतलब हो गया कि इसका एंगल को रिड्यूस करके 25.84 करना है तो इसके एंगल को हमको रिड्यूस करके 25.84 करना है ये हमको 25.84 करना है ये जो हम पावर फैक्टर बना रहे हैं ये हम इस लोड का और इस सिंक्रोनस मोटर दोनों को हम जोड़ के बना रहे हैं मतलब कि लोड प्लस सिंक्रोनस मोटर इसका हम पावर ट्रेंगल बना रहे तभी तो देखो सिंक्रोनस मोटर ऐड हुआ तो पावर फैक्टर कितना हो गया पॉइंट नाइन लैग तो इसका पावर फैक्टर कितना है पॉइंट नाइन लैख ठीक है अब इसमें हम आपको बताए थे कि पावर ट्रेंगल हमेशा एक्टिव पावर डायरेक्टली एक्टिव पावर से जुड़ जाएगा रिएक्टिव पावर डायरेक्टली रिएक्टिव पावर से जुड़ जाएगा अब ध्यान से देखो इस एंगल को हमको रिड्यूस करना है मतलब पॉइंटेड पावर फैक्टर को पॉइंट नाइन बनाने के लिए एंगल को कम करना होगा एंगल कैसे कम होगा तो ऑब्वियसली है, है उसको कम करना होगा उसको कम करने के लिए हम क्या कर दिए को लगाया मतलब कि synchronous motor कुछ ना कुछ पावर डिलीवर करे लीडिंग केस में तो सिंक्रोनस मोटर आपका क्या करेगा ओवरऑल इसका जो लैगिंग बिहेवियर उसको कम करने की कोशिश करेगा ये कम कैसे होगा मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्टिव पावर मोटर लीडिंग रिएक्टिव पावर सिंकोस मोटर एब्जॉर्ब करेगा और लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा तो ये जब एब्जॉर्ब करेगा तो देखो ये पूरा तीन सौ है तो जब इसको क्यू एम आएगा तो इसका एंगल ओवरऑल कम होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू थ्री हंड्रेड ये वाला जो लाइन होगा थ्री हंड्रेड माइनस क्यूएसएम सेकेंड वाले से हम रिएक्टिव पावर लैग लीडिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय बायोस मोटर हम निकाल सकते हैं क्यूएसएम निकाल सकते हैं बिल्कुल सर निकाल सकते हैं जो हमारे जीओ ऑप्टिमिक्स के यूजर है उनको समझ में आ रहा होगा किस तरह से मैं कर रहा हूं ठीक है तो क्यूएसएम हम यहां से निकाल सकते हैं क्या करना है हमको ऑफ आंसर और यहां यहां ध्यान से यहां ध्यान से से देखिए देखिए अब एक्टिव पावर आपका चार सौ किलो वाट नहीं रहेगा क्यों क्योंकि सिंक्रोस मोटर भी आपका कंज्यूम कर रहा है सौ किलोवाट मतलब कि ये लोड तो चार सौ किलोवाट ले ही रहा है उसके पैरेलल में सिंक्रोस मोटर भी आपका सौ किलोवाट ले रहा है तो ये हो जाएगा पांच सौ किलोवाट और यही मिस्टेक कर गए होंगे जो लोग फॉर्मूला रटे होंगे वो 400 ही लेके बना दिए होंगे 400 तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है और सिंक्रोनस मोटर भी आपका कुछ ना कुछ एक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है दैट इज 100 किलोवाट तो 500 हो गया तो मल्टीप्लाइड बाय 500 ठीक है 300 माइनस आंसर तो QSM आपका मिल जाएगा यहां पे 57.83 ठीक है सर ये हमारा केवीआर तो अगर आपसे इसमें सवाल पूछता फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस मोटर फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस मोटर तो फिर कोई इशू नहीं है 100 किलो वाट. और एब्सॉर्बिंग रियक्टिव पावर कितना पॉइंट एट थ्री इस दोनों के पावर ट्रेंगल से हम पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोटर निकाल सकते थे लेकिन पावर फैक्टर ऑफ सिंक्स मोटर नहीं पूछा है पावर फैक्टर किसका पूछा है न्यू लोड न्यू लोड ये न्यू लोड पावर फैक्टर ऑफ न्यू लोड अभी लोड हम कनेक्ट ही नहीं किए हैं अभी तो सेकेंडे स्टेज पे है और इतना ही क्वेश्चन में आता है मैक्सिम जगह मैं थर्ड स्टेज भी डाला नया कुछ करने के लिए थर्ड स्टेज में क्या बोला कि चलो ठीक है आपने पॉइंट नाइन पावर फैक्टर इंप्रूव कर दिया पॉइंट एट से पॉइंट नाइन कर दिया लेकिन एक और पागल लोड है जो कोशिश कर रहा है कि पॉइंट नाइन पावर फैक्टर उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो आ गया घुस गया पैरल में और उसके बाद बोल रहा है कि नहीं तुमको हम पॉइंट नहीं रहने देंगे पॉइंट करो मतलब कि तो उसके पावर फैक्टर को और खराब कर दिया जो इंप्रूव किए थे उसको खराब कर दिया मतलब ये सिंकोस मोटर जो हम लगाए थे उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा लॉजिक समझ रहे हो तो सिंको मोटर लगाया लगाया गया पॉइंट नाइन पावर फैक्टर इंक्रीज करने के लिए पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए और हम एक और नया लोड लगा दिए बहुत ही वर्स्ट पावर फैक्टर होगा इसका हम लोग निकालेंगे वर्स्ट पावर फैक्टर है तभी तो पावर फैक्टर डाउन हो गया तो ये न्यू लोड जो कि फिर हंड्रेड किलोवाट कंज्यूम कर रहा है और पैरेलल में कनेक्ट है और इसको लगाने के बाद आपका जो पावर फैक्टर है आपका जो पावर फैक्टर है वो पॉइंट नाइन से क्या हो गया पॉइंट नाइन से हो गया पॉइंट एट अगेन मतलब कि अब थर्ड में शायद ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हाँ बिल्कुल दिख रहा है तो ये आपका जो है ये जो लाइन है थ्री हंड्रेड माइनस क्यू एस हम करेंगे क्यूएसए हमारा फिफ्टी सेवन पॉइंट एट थ्री है तो थ्री हंड्रेड माइनस आंसर अगर हम कर दिए तो ये आपका जो होगा ये हो गया टू फोर्टी टू देखिए ये आपका हो गया टू फोर्टी टू पॉइंट वन सिक्स इसको हटा दो अभी हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं ये हमारा पॉइंट नाइन पे काम कर रहा है अब एक नया लोड लगा नया लोड कैसा है भैया तो हंड्रेड किलो वाट ये कंज्यूम कर रहा है एक्टिव पावर तो ये पांच सौ तो पहले कंज्यूम कर ही रहा था अब नया लोड को भी अगर हम जोड़ दिए इसमें क्या क्या जोड़े लोड प्लस सिंक्रोनस मोटर प्लस न्यू लोड ये तीनों को जोड़ेंगे तो पांच सौ किलो वाट और नया लोड हंड्रेड किलो वाट है मतलब ये छह सौ हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं है रिएक्टिव पावर कितना होगा रिएक्टिव पावर कितना होगा तो पहले देखो 242.16 था अब इसमें ऐड हो जाएगा कुछ न्यू लोड का रिएक्टिव पावर क्यों ऐड होगा वो भी बताऊंगा सब क्यों नहीं होगा वो भी बताऊंगा यहां पे cos इन वर्स पॉइंट पॉइंट नाइन लैग है आपको यहां पे चाहिए पॉइंट एट लैग आपको कितना चाहिए यहां पे यहां पे चाहिए पॉइंट एट लैग क्योंकि जैसे ही नया लोड लगाएंगे फिर .8 हो गया मतलब ये कितना होना चाहिए अब देखो ध्यान से से लाने में आपको लैगिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करने वाला एलिमेंट लगेगा तभी जाके वो बढ़ेगा ना तो वही बढ़ाने के लिए यहाँ पे नया लोड का रिएक्टिव पावर जो होगा वो लैगिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी होगा तभी जाके ये 25.84 से बढ़कर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट को बढ़ाना है पहले 242 पे काम कर रहा था जब 0.9 लाख था 242 से बढ़ाओगे तभी ना जाके ये आपका ओवरऑल 36.86 एंगल आएगा इस पॉइंट को देखते हुए यहां पे जब आप करोगे तो ऑब्वियसली 0.8 लाख के लिए आपको क्या करना होगा tan 36.86 242.16 q upon 600 किलोवाट, 600 किलोवाट क्यों देखो 400 तो ये लिया 100 मोटर लिया और 100 ये भी लिया तो टोटल 600. अब ये जो पावर है, ये सिस्टम पावर है, तो टोटल सिस्टम का पावर है. टोटल सिस्टम का पॉवर है. तो यहाँ से हम रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय लोड हम निकाल सकते हैं रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय लोड कैसे निकलेगा तो निकाल लीजिए टेन थर्टी सिक्स पॉइंट एट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई सिक्स हंड्रेड टू फोर्टी टू पॉइंट वन सिक्स तो रिएक्टिव पावर ऑफ न्यू लोड इज इक्वल टू दो 207.67 सात दशमलव एक सिक्स सेवन टू जीरो पावर फैक्टर ऑफ न्यू लोड तो चौथा ट्रायंगल न्यू लोड का पावर फैक्टर के लिए न्यू लोड कितना कंज्यूम कर रहा है एक्टिव पावर तो हंड्रेड किलो देखना ध्यान से रिएक्टिव पावर कितना कर जाए तो अभी हम लोग निकाले दो सौ सात दशमलव छह सात और इसका जो पावर होगा वही होगा फाइव एन एल न्यू लोड का ठीक है पावर फैक्टर एंगल तो निकाल लीजिए टेन ऑफ दो सौ सात छ सात डिवाइडेड बाई हंड्रेड और कॉस ऑफ क्या आएगा टेन ना टेन टेन फाइव तो फाइव तो निकलना टेन इनवर्स ऑफ आंसर कॉस ऑफ आंसर तो इसका आपको पावर फैक्टर कितना हो जाएगा गलती कर दिए दो सौ सात डिवाइडेड बाय 100 वे tan इनवर्स ऑफ आंसर एंगल मिल गया 64 और ये इसका पावर फैक्टर जब निकालोगे 0.433 आएगा तो देखो प्योर पावर फैक्टर वाला लोड है कि नहीं तो प्योर पावर फैक्टर वाला लोड लगा है इसलिए 0.9 से 0.8 आ गया 0.9 से ऊपर पावर फैक्टर वाला लोड लगाते तो 0.9 से इंप्रूव होता समझ में आ रहा है तो ये एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जो आपको यूट्यूब पे तो नहीं दिखेगा सिर्फ जेनिक प्लेटफॉर्म पे ही ऐसे क्वेश्चन आपको देखेंगे हर जगह गेट प्रीवियस ईयर लगा के छोड़ देते हैं वैसा काम नहीं करना अपने को टाइम पास नहीं मैं आपको डे में बोला था अगर मैं आऊंगा तो आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगा अदरवाइज नहीं आऊंगा क्योंकि मैं आऊंगा तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ठीक है इधर उधर की बातें करने में तो मैं बात वही करूंगा जो आपके गेट दो में फायदेमंद हो ठीक है तो ये सब बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन क्रिएटिव है कोई अगर डाउट है कमेंट है नीचे रिप्लाई दो देखो प्रीमियर होता है तो लाइव सेशन में ही रिप्लाई आता है वो भाग जाता है नीचे कमेंट जब लाइव सेशन खत्म हो जाए ना उसके बाद कमेंट में रिप्लाई दो उसका हम जरूर रिप्लाई देंगे कमेंट करोगे ना तो रिप्लाई देंगे कहां मिस्टेक है कहां पे आप क्या सोचे थे और अपने मिस्टेक को जरूर हमें बताओ क्यों बोल रहा हूं ना मिस्टेक अपने बताने को ताकि मैं उसी हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर में उस टाइप का कुछ करके आपको दूं कि आपका मिस्टेक रेक्टिफाई हो पाए है ना तो ये सब एक फीडबैक सिस्टम है अगर आप फीडबैक हमें दोगे तभी मजा आएगा पढ़ाने में तो ये देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है अगर आपसे पावर फैक्टर का पावर बनाते पावर है तो पावर कितना कर रहा है, उसका बनाते अगर आपसे पावर फैक्टर ऑफ होल सिस्टम पूछता तो कोई दिक्कत नहीं वो दिया ही हुआ किधर गया अगेन कितना पे हो गया कंज्यूमिंग इतना तो पॉइंट एट, तो एट ही हो जाता समझ में आया तो सब समझो अब देखो मैं एक एक, नॉर्मल एक आपको तरीका भी बताता हूं सोचने का एक सीधे आप कमेंट करना है इसका आंसर कि एक लोड है जिसका पावर फैक्टर है मान लो पॉइंट एट फिर एक और लोड है जिसका पावर फैक्टर है पॉइंट फोर दोनों को जोड़ेंगे तो पावर फैक्टर क्या होगा तो ऑब्वियसली पॉइंट एंड पॉइंट के बीच में होगा एग्री करते हो कि नहीं वो देना अब एक का पावर फैक्टर मान लो पॉइंट एक का है पॉइंट जब दोनों का पावर फैक्टर निकालेंगे तो पॉइंट और पॉइंट के बीच में होगा इस तरह से भी आप सोच सकते हो ठीक है तो इस तरह से भी सोच के आप बना सकते हो क्लियर एवरीबॉडी पॉइंट एट पॉइंट फोर ठीक है एक तरह समझो ना ये देखो एक का पावर फैक्टर है पॉइंट नाइन और दूसरा नया लोड है उसका पॉइंट फोर थ्री थ्री है तो इन दोनों का जब कंबाइनेशन किए तो पावर फैक्टर कितना होगा तो देखो पॉइंट एट तो उसके बीच ही में आया ना पॉइंट नाइन एंड पॉइंट फोर थ्री थ्री के बीच में आया तो वही मैं समझा रहा हूं ठीक है ना तो इस तरह से आप सोचिए अच्छे से समझिए और जरूर आप इस सीरीज को फॉलो करो इग्नोर मत करना जेनिक लाइव ऐप पे क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके रखो और छ बजे छ बजे मतलब छह बजे छ बजे आप इसका सोल्यूशन देखो और सारे छह में जो भी जी ऑप्टिमस यूजर है वो हमारे साथ पावर सिस्टम पढ़ेंगे ठीक है तो इसी तरह से चलते रहेगा मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में जी कोर थ्री क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए आप क्वेश्चन नंबर थ्री लाइव ऐप पे जाके देख सकते हो थैंक यू